दोस्तों जब अजीब तरह के खाने को खाने की बात होती है तो चाइना हमेशा से ही नंबर वन पे ही रहता है, और ये चाइना ही है जिसकी वजह से दुनिया आज इतना परेशान है। दोस्तों कोरोना वायरस जिसने आज तबाही मचाई हुई है, इसका कारण चाइना में उल्टा सीधा खाने की वजह को बताई जाती है। और एक थ्योरी के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह एक चमगादड़ जिसे किसी सांप ने खा लिया था, और सांप को किसी चाइनीज ने खा लिया था, जिसकी वजह से उससे ये वायरस फैला। दोस्तों इसीलिए आज हम ये वीडियो लाए हैं कि आप और जानो कि ये चाइनीज क्या क्या खाते हैं, और जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते वो भी ये खा जाते हैं। तो दोस्तों आप बस इतना करना, वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि पूरी देखोगे तभी तो अच्छी अच्छी गालियाँ इन चीनियों को आप कमेंट बॉक्स में दोगे। और यार चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों हमारी लिस्ट की पहली वीडियो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है और चाइना के किसी प्रोविंस की है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कैसे एक शख्स इतने बड़े सांप का सूप बना रहा है। दोस्तों पहले तो इस शख्स ने इस सांप को अच्छे से धोया, फिर उसने इस सांप को छोटे छोटे पीसेस में काटा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो डिस्टर्बिंग लग रही है तो प्लीज मत देखो। दोस्तों आप देख सकते हो कि सांप अभी भी हिल रहा है। मुझे तो लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं भी कई दिन तक मटन नहीं खा पाऊंगा। दोस्तों ये बात जान के आप चौंक जाएंगे कि चाइना में एक समय में सांप का सूप एक बहुत ही लग्जरी डिश मानी जाती थी, और इन सूप को खरीद पाना सिर्फ अमीर के बस की बात ही होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये सब के पीने के योग्य हो गया। दोस्तों सांप को चाइना में खाने की वजह ये है कि इनका मानना है कि सांप खाने या इनका सूप पीने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और कई तरह की बीमारी से भी निजात मिलती है। लेकिन कोई ने बताओ इन्हीं सांपों को खाने की वजह से आज दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है। दोस्तों अब चलते हैं चाइना के शेंजन प्रोविंस में। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शेंजन की इस सिटी में कैसे अजीब अजीब फूड खाने के लिए बिक रहे हैं। अभी जो आप देख रहे हैं इसे ब्लैक स्टिंकी टोफू कहते हैं। दोस्तों इसमें स्टिंकी इसलिए लगा है क्योंकि ये टोफू किसी कचड़े के ढेर की तरह स्मेल करती है। दोस्तों मुझे पता है कि चाइनीज लोगों के लिए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच में वीडियो में आप और भी अजीब तरह की खाने की चीजें देख सकते हैं। भाई यार गोजर या कनखजूरा कौन खाता है? गोजर छोड़िए, ये तो कीड़े मकौड़े, ग्रास हॉपर, मकड़ियाँ, कुछ अजीब कीड़े और यहाँ तक कि बिच्छू को भी खा जाते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये साले वो हर चीज खा जाते हैं जो जिंदा है। दोस्तों अगर आप सी फूड खाना पसंद करते हैं तो आपको पता होगा कि ब्लोफिश खाना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन आप भूलना मत क्योंकि हम चाइनीज की बात कर रहे हैं। दोस्तों ब्लोफिश और पफर फिश ये दोनों मछली दुनिया की सबसे जहरीली क्रिएचर्स में से एक होती हैं, क्योंकि इनके अंदर टेट्रोडॉक्सिन नाम का जानलेवा जहर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों ये जहर इतना खतरनाक है कि इसकी एक बूंद में 30 लोग आराम से मौत की नींद सो सकते हैं। और इससे भी खतरनाक बात ये है कि इस जहर का कोई भी एंटीडोट नहीं है। तो फिर क्यों लोग इन जीव को खाते हैं? क्योंकि इस फिश को सिर्फ वही लोग प्रिपेयर करते हैं जो इन फिश को बनाने में मास्टर हो। लेकिन फिर भी कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, और कभी न कभी उससे कोई न कोई गलती जरूर होती है। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ शेफ जरा सा जहर फिश में रहने देते हैं जिससे कस्टमर को लिप्स और जुबान पर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा तो इतने में ही काम लग जाएगा। दोस्तों अब ये देखो मगरमच्छ भी है लिस्ट में। आज तक मैं यही सोचता था कि मगरमच्छ उन जानवरों में आता है जो इंसानों को खा सकता है और हमें इससे दूर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। चाइना में आप इन मगरमच्छ को भी खा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसे ट्राई करने की भी सोच रहे हैं तो देख लेना कि अच्छे से आग में पका है या नहीं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कच्चा भी दे सकते हैं। चाइना के लोगों को मगरमच्छ का मीट मुर्गे की तरह लगता है, इसीलिए उन्हें मगरमच्छ खाना बहुत पसंद है। लेकिन मेरे एक बात नहीं समझ में आई, अगर मुर्गे की तरह लगता है तो मुर्गा खाना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि मगरमच्छ के मीट से आपको क्या क्या बना हुआ चाइना में मिल जाएगा। दोस्तों आपको क्रोकोडाइल ग्रेवी, करी, तंदूरी क्रोकोडाइल और सूप भी मिल जाएगा। दोस्तों कभी कभी रोजमर्रा का खाना खाना पसंद नहीं होता, तो अगर आप भी रोज के खाने से परेशान हैं, तो सनाची नाम की डिश को ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों ये डिश इतनी तरोताजा होती है कि इसे रेस्टोरेंट में जिंदा ही मसाले डालकर सर्व कर दिया जाता है। तो इसको खाने के बाद अगर लगे कि मुंह के अंदर या पेट के अंदर कुछ चल रहा है तो डरना मत, क्योंकि वो तो आपका फूड है। दोस्तों ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं कि चाइना में इन जिंदा ऑक्टोपस को खाने की वजह से टेंटिकल्स के गले में अटकने से कई लोग सांस न लेने की वजह से मर चुके हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बिच्छू की, क्योंकि बिच्छू की तो जैसे इन चीनियों ने गांडी मार ली है,
क्योंकि बिच्छू चाइना में आपको फ्राइड भी मिल जाएगा, ग्रिल्ड भी मिल जाएगा, और अगर जिंदा भी खाना चाहे तो वो भी मिल जाएगा। कई लोगों ने बिच्छू को जब खाया तो उन्होंने इसका टेस्ट किसी गटर में से आ रही स्मेल से कंपेयर किया। तो फिर क्यों चाइनीज इसे खाते हैं? दोस्तों ये तो भगवान ही बता सकते हैं। दोस्तों कई बार तो चीनी बिच्छू को दारू में भी पकाते हैं और कई बार जड़ी बूटी लगाकर खाते हैं। लेकिन एक बात ये अच्छी है कि बिच्छू को सिर्फ रेस्टोरेंट में ही पकाने की गवर्नमेंट ने परमिशन दी रखी है और कोई भी इसे घर में नहीं बना सकता। अब इसे देखो दोस्तों, ये है जायंट रेनबो लॉबस्टर, और इसे रेनबो लॉबस्टर कहना गलत नहीं है। दोस्तों इस लॉबस्टर को चाइना, जापान और थाईलैंड में एक बहुत ही महंगी डेलिकेसी मानी जाती है। ये ना कि सिर्फ एक डेलिकेसी है बल्कि दुनिया के सबसे महंगे फूड में से एक है। दोस्तों इसे खाने के लिए आपको कम से कम 40,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। दोस्तों अब इस वीडियो को चाइना के किसी मार्केट से लिया गया है और इसमें आप देखोगे कि कैसे एक स्क्विड को स्टेप बाय स्टेप सुशीमी बनाते हैं। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि सुशीमी होता क्या है, तो सुशीमी फिश के फ्रेश रॉ मीट से बनती है जिसे जापान में खाया जाता है। लेकिन इन चीनियों ने कुछ अलग किया और स्क्विड से सुशीमी बना डाला। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इन्होंने एक्वेरियम से 3 स्क्विड ली और एक शख्स उन्हें काट कर साफ कर रहा है। दोस्तों इसे भी खाने से कई लोगों के गले चोक हो चुके हैं चाइना में, लेकिन फिर भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों अगर जो हमने आपको ऊपर बताया है वो भी काफी नहीं है तो एक बार और देखो चाइनीज खाने को। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।